पूरी रहे ये जरूरी है। हिमांश कोरी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आई थिंक इसका बेस्ट रिप्लाई वैसे तो चरित देते जो जिन्होंने हमारा ये वीडियो डायरेक्ट किया है, पर चरित यहाँ नहीं है तो सोनल और शिवम, क्योंकि यही उनके साथ में रहते थे और इन लोगों का ये एक सबसे बड़ा डिसीजन था लास्ट में कि लड़की को गायब करा देते हैं, तो उसका लॉजिक आप मुझे बताइए सोनल। तो मैंने थोड़ी लड़की मार डाली, मैंने जिंदा रखी थी। प्यार जब थोड़ा सा दूर दिखाते हैं ना जाते हुए, तभी इंसान को रियलाइज होता है कि प्यार की वैल्यू क्या होती है। तो शायद इसी लव स्टोरी से उन्होंने ये कन्वे किया है कि हर लव स्टोरी के अंदर में जब तक थोड़े से हर्डल्स ना हो तो वो कंप्लीट नहीं होती है, फासले दूरियां जब ना हो तो प्यार हाँ पूरा नहीं होता। तो देखिए, और मेरे ख्याल से बजाय इसके कि हम ये सोचें कि लड़की चली गई और प्यार अधूरा रह गया, हमें ये सोचना चाहिए जो लड़की ने इस गाने में कहा है कि बाजुओं में तुम मुझको बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे। क्या बात है, क्या बात है। हिमांश जी एंड नेहा जी, क्योंकि गाने का नाम भी है ओ हम सफ़र, तो किस तरह का हम सफ़र होना चाहिए आप लोग के अनुसार, या किस तरह के हम सफ़र की चाहत रखते हैं आप लोग एक दूसरे? ऐसा ही रखता हूँ कुछ जैसा यहाँ पे दिख रहा है। मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, कुछ ऐसा ही सोचता था हम सफ़र के लिए भी। कैसे मिल जाए यार नेहा, मैं तो इतने टाइम से नेहा को बोल रहा हूँ, देखो पूरी न्यूज़ के अंदर में क्या क्या आर्टिकल्स चलते रहते हैं, थोड़ा गौर करो उस पर, कमेंट्स आते रहते हैं लोगों के। ये हर बार इग्नोर कर देती है यार, जब देखो काम पे चली जाती है, सॉन्ग्स पे चली जाती है, पर कुछ थोड़ी सी आई थिंक नेहा आपको भी फरमाना चाहिए ना इन सब। देखिए सब जानना चाहते हैं आपसे नेहा जी, सब जानना चाहते हैं कि हम सफ़र कैसे होने चाहिए। हम सफ़र वैसे अगर हिमांश कोहली जैसे हो तो जिंदगी आई थिंक ब्यूटीफुल हो सकती है, जैसा वीडियो में दिख रहा है। आई थिंक He's not only a beautiful, like handsome guy, but also a beautiful human being from inside. बहुत खूबसूरत इंसान है, and हमारा जो actually video में जो दिख रहा है वो सच्ची का प्यार है। It is actually we're best buddies. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, and we love to spend time with each other. और वो I think वो जो हमारा जो एक connection है वो video में नज़र आ रहा है। Nothing else, yeah. अरे भाई साहब बड़ी पुरानी बात है, मुंतशिर मैं वैसे मनोज शुक्ला हुआ करता था, और मैंने अपने माँ बाप को एक दिन बड़ा झटका दिया। मैं सुबह सुबह सो के उठा, मैंने बोला आज से मैं मुंतशिर हो गया। तो हाँ, तो ये एक पेन नेम है जिसका मतलब होता है बिखरा हुआ। मुंतशिर वर्ड का मतलब है बिखरा हुआ। कहीं एक दिन चलते चलते मेरा एक शहर है अमेठी, यूपी में छोटा सा शहर है, वहाँ रात के 9 बजे, सर्दियों की रात थी, सारा टाउन सो चुका था, मैं सड़कों पे आवारा गर्दी करता हुआ घूम रहा था, एक रेडियो पे मुशायरा चल रहा था, और उसमें किसी ने एक शेर पढ़ा कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। क्या बात, बहुत। तो उस दिन से मैंने शुक्ला हटाया और मुंतशिर लगाया, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। सो टॉनी, ग्रेट कंपोजिशन, absolutely Neha, you have proved that you are the queen of voice. Thank you, so sweet. Great presence, screen presence, Himanch. सब कुछ है, अल्फाज हैं, है ना, और रूहानियत है, सब कुछ है, लेकिन वो जो ending है दर्द वाला, तो क्या दर्द बिकता है, दर्द की TRP ज़्यादा होती है कुछ इसलिए? नहीं, एक्चुअली क्या है, मोस्टली जैसे कि मनोज जी ने भी कहा कि मोस्टली स्टोरीज जो लव स्टोरीज़ हैं वो इनकम्प्लीट रह जाती हैं, तो हम फिल्म्स भी ऐसे ही बनाते हैं जब यू नो जनरली जब मूवीज़ बनती हैं, वीडियोस भी ऐसे ही बनते हैं जिनसे लोग रिलेट कर पाएँ। तो हम जितना हमें जो प्यार दिखाया जा रहा है वो भी बिल्कुल सच्चा है, जो यू नो जैसे कपल्स जितना इन लव होते हैं, जितना प्यार में होते हैं, वो सब हमने दिखाया है। एंड देन इवेंचुअली जब दूर चला जाता है कोई आपसे प्यार करने वाला तो बहुत दुख होता है, एंड दैट ऑल्सो यू हैव सीन इन द वीडियो। सो या, हाँ जी, हेलो, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, आई एम रमेश राव फ्रॉम सीने बस्टर मैगजीन। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी अच्छा रोमांटिक वीडियो था, यू हैव डन अ गुड जॉब नेहा जी, एंड हिमेश जी आप भी अच्छा दिख रहे हैं। हिमांश, यू आर लुकिंग वेरी, मैंने हिमेश जी के साथ वीडियो नहीं किया, हिमेश जी काफी, हिमेश जी अगर मैं साथ में होंगे तो आई थिंक बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। सारे गमा पा लिटिल चांस पे चले गए।
क्योंकि वहीं पे सब देखने की आदत है सबको. हिमांश कोहली. हाँ हिमांश जी, यू ऑल्सो लुकिंग हैंडसम. मुंतशिर आपका भी, मनोज जी का लिरिक्स अच्छा है. आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन टू टोनी जी. आपने जब ही मेंशन किया कि मदन मोहन जी से आप लोग थोड़ा सा इम्प्रेस हैं, आपने बोला ना धुन, तो मैं टोनी जी से ये पूछना चाहता हूँ. टोनी जी से ये पूछना चाहता हूँ जैसा मदन मोहन का नाम लिया, वो लगा भी मुझे म्यूजिक एकदम स्लो एंड म्यूजिक गजल जैसे लिरिक्स होते हैं मदन मोहन जी के. आर यू इम्प्रेस विद अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स आल्सो लाइक शंकर जयकिशन एंड एब्सोल्युटली सर, जितने भी ये महान संगीतकार हैं ये सब एक उनको सुन सुन के. हाँ एक्चुअली ऐसा मैंने पर्टिकुलरली ये नहीं कि मदन मोहन जी के ही गाने सुनूंगा या शंकर जयकिशन जी के या लक्ष्मीकांत बेरला जी के ही गाने सुनूंगा. जो भी अच्छे गाने थे वो घर में रेडियो पे चलते थे, मॉम डैड प्ले करते थे, तो ऐसा पिक करके मैंने कंपोजर्स नहीं सुने. जो भी अच्छा म्यूज़िक था, मेरा ये रहा है कि मैंने ज़्यादा हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक सुना है, वेस्टर्न ज़्यादा सुना नहीं है. तो इसके लिए पसंद भी यही ज़्यादा आता है और शायद बनता भी मुझसे यही है. वेरी गुड, कीप इट अप. अच्छा लगा. थैंक यू सर. थैंक यू. क्योंकि आजकल फास्ट म्यूजिक में ये जो है मेलोडी म्यूजिक अच्छा लगता है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. एंड कांग्रेस टू डी सीरीज फॉर गिविंग यू. एब्सोल्युटली. बिग थैंक्स टू भूषण सर, शिव सर, राज सर, शिवम, सोनल. ये बातें अंधेरे में नहीं करी जाती हैं. या हाय हेलो टोनी, आप एक बार ये बोल रहे थे कुछ. जी सर. सेम आंसर. नो आई हैव अ क्वेश्चन. हाय हाय. या आई हैव अ क्वेश्चन विद नेहा. कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम. आई वांटेड टू नो यू आर मोस्टली सिंगर, सो हाउ वाज इट एक्सपीरियंस लाइक एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वीडियो? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट? इट वाज अमेजिंग. आई थिंक when I did the song, Bhushan ji actually wanted to do a single with me, and he wanted Tony to create a romantic song for me. And when Bhushan ji told Tony bhai that I want to take Neha not as a singer in the video but as an actress in the video, because people keep telling me aap kab acting karoge, kab acting karoge, so is video ke through I tried. Mera aisa kuch सोचा नहीं था मैंने ऐसा करूँगी, बट देन भूषण जी वॉन्टेड मी टू डू. आई वॉज लाइक चलो ट्राई करते हैं. एंड देन जब ये डिसाइड, जब बात हुई कि वीडियो में ऑपोजिट किसको लिया जाएगा, तो भूषण जी को सबसे पहले उनके यारियाँ मूवी स्टार हिमांश कोहली दिमाग में आए. उन्होंने कहा आई थिंक नेहा आप और हिमांश दोनों बहुत क्यूट लगोगे साथ में. एंड व्हेन आई हर्ड इट आई वाज लाइक अरे वाह, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, हम लोग बेस्ट बडीज हैं और जब वीडियो साथ में करेंगे तो. एंड ही सेड कि तुम लोग दोनों साथ में बहुत क्यूट लगोगे. ये एक्चुअली मुझे प्रेडिक्शन लगी थी बट ये एक्चुअली सच हो गई, क्योंकि वीडियो के नीचे अगर आप लोग कॉमेंट्स देखें, सो देर आर ओनली पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल कॉमेंट्स. पीपल आर सेइंग दैट लुकिंग एट बोथ ऑफ यू वी आर फॉलिंग इन लव, यू नो, and hashtag couple goals, hashtag cutest couple, ये सब comments आ रहे हैं. It feels great, हाँ हिमांश? Of course. एक comment मैं सबको बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी से मेरी शुरुआत हुई आज दिन की. एक comment था जिसमें उन्होंने लिखा था modern day, modern 2018 SRK काजोल. तो काफ़ी encouragement मिल जाता है जब ऐसे comments read करने को मिलते हैं. और ये comment मैंने नेहा को आके दिखाया. मैंने कहा नेहा अब तो मतलब ऑडियंस भी बोल रही है कि फिल्म्स में आओ, प्लीज़ जल्दी से आओ, आप म्यूज़िक में अपना इतना मैजिक बिखेर रही हैं, नाउ इट्स टाइम कि अब आपको फिल्म्स में भी आ जाना चाहिए. टोनी आप भी थोड़ा सा कन्विंस करिए यार इस चीज़ के लिए, मैं अकेला बोलता रहता हूँ. अब आपने बोल दिया है तो मेरे से भी ज़्यादा बात आई थिंक आपकी अब सुन ली जाएगी, बिकॉज यू गाइस आर बेस्ट बडीज. दूसरे ऊपर डाल दिया एकदम से यहाँ पे. लेट मी टेल यू मैम, सेल्फी क्वीन यू नो कह सकते हो आप उनको, बिकॉज उनके वीडियोज़ यहाँ वहाँ हर जगह, और अब से नहीं जब लोगों ने कुछ करना शुरू नहीं किया था तब से नेहा के वीडियोज़ हैं जो कि वायरल जा रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स अनदर ह्यूज थिंग. या आई बिन यू नो एन एविड फॉलोअर, मतलब एकदम पीछे पड़ा रहता हूँ मैं उनके, सॉरी गाइज. सो यहाँ अपनी फैन डम पीछे रख देता हूँ जो भी है. अभी यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने देखी है दैट इज़ कि जो लिप सिंक आपने किया है दैट्स परफेक्ट यार सर. थैंक यू सर, पॉइंट पकड़ा सर.
आई थिंक उसका एक आंसर ये भी है क्योंकि हिमांश म्यूजिकली बहुत एकदम सेट है जहाँ होने चाहिए. एज एन एक्टर जितनी म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए उनको उससे कहीं ज्यादा है. और सुर में भी गाते हैं वो सुर नहीं छूटता उनका. तो वो आई थिंक एक रीजन हो सकता है. बाकी तो भाई आप बताइए. या प्लीज थैंक यू सो मच ब्रो. या आप पूछ रहे थे कि लिप सिंक की बात. इट्स जस्ट अ कनेक्शन. इट्स जस्ट अ वाइब. गाना सुना टोनी की आवाज़ में सुना. ये हमारा पहला गाना नहीं है. इससे पहले भी एक गाना हमने किया था हेलीकॉप्टर करके. एक पार्टी नंबर आया था. काफ़ी फेवरेट. काफ़ी मेरा मेरे दिल के करीब है. नेहा ने गाया था उस गाने को भी. और इस बार ही जस्ट ऐसा लगा कि एक रोमांटिक सॉन्ग है और भाई की आवाज़ तो ऐसी लाजवाब है और दिल को छू जाती है. और मैंने हमेशा से उनका बहुत बड़ा फ़ैन उनका भी रहा हूँ. मिले हो तुम हमको. इनफैक्ट मैंने नेहा को जो फर्स्ट टाइम मिले हो तुम हमको जो गाना दिखाया था मेरे एप्पल में वो इनकी आवाज़ में नहीं था. वो टोनी की आवाज़ में था. और ऐसे दो और गाने जो टोनी की आवाज़ में सेव थे. तो इट्स जस्ट अ कनेक्शन ब्रोमांस जो अच्छे से जिसने हेल्प किया पूरा लिप सिंक के लिए. नितिन हमेशा ना एक बात कही जाती है कि इस इंडस्ट्री में अगर सबसे अच्छा कोई लिपसिंग करता है तो रणबीर कपूर साहब करते हैं. ये सारे क्रिटिक्स कहते हैं. हर कोई कहता है. मुझे लगता है उस लिस्ट में एक नाम और जुड़ना चाहिए कि रणबीर कपूर जैसा ही कोई लिपसिंग अगर कर सकता है तो हिमांश कोहली करते हैं. थैंक यू सो मच मनोज. सीरियसली मतलब दैट इज वन थिंग जो कि निकल के आ रही है. सो यहाँ पे बिफोर वी रैप अप ग्रैंड फिनाले जो यहाँ बड़े लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और हुक्म भी दे रहे थे. आई वॉन्ट यू टू सिंग. ठीक है. नेहा आपका साथ देंगी और लिप सिंक करने के लिए हमारे साथ हिमांश चाहिए तो हो जाए. यहाँ पे सॉन्ग स्टार्ट्स विद नेहा. नेहा की लाइन से शुरू होता है.